हाय गाइस, आज का वीडियो कुछ स्पेशल होगा जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए। जो नए क्रिएटर्स से जो वीडियो अपलोड करते हैं उनको कॉपीराइट क्लेम आता है, तो कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाए उसके भी वीडियो है ये वाला। तो कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए पहले आपको अपना YT स्टूडियो ऐप ऑन करके देख लेना है। जैसे मेरा एक वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे YT स्टूडियो में चेक करके दिखाता हूँ जो कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो ये मेरा RTO का फाइनल ड्राइविंग टेस्ट का एक वीडियो जिसमें कॉपीराइट क्लेम आया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे इसको हटाया जा सकता है। जबकि पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाके सर्च कर लें studio.youtube.com, जाकर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सर्च बार में आगे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपका जो YouTube अकाउंट है वो खुलेगा। आप पहले ठीक से क्लिक कर देख लेंगे कि आपका जो YT स्टूडियो है वही वाला YouTube अकाउंट खुला है कि अगर आप दूसरा कोई अकाउंट खुला हुआ है। पहले आप साइट से एक वेरीफाई कर लेंगे, तो वेरीफाई करने के बाद जे अपने जो मेन अकाउंट है वही देखेंगे। वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट पर जाएंगे, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आप बाएं साइड पे देखिए वो प्ले लिस्ट का जो ऑप्शन है उसमें वो जो सर्कल हो रहा है, जो रेक्टेंगल हो रहा है उसमें। अब मैं अपना RTO वाला वीडियो में जा रहा हूँ, तो ये मेरा RTO वाला वीडियो आया। देखिए इसमें कॉपीराइट क्लेम है, तो आप कॉपीराइट क्लेम जो लिखा हुआ आ रहा है उसको क्लिक करेंगे, सी डिटेल्स आ रहा है, तो सी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा कॉपीराइट वीडियो कॉपीराइट डिटेल्स बोलकर। आप वीडियो कॉपीराइट डिटेल्स में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में जाकर देखेंगे आपको किस लिए आपको कॉपीराइट मिला है। तो ये जो दिखा रहा है, ये सॉन्ग जो मेरे वीडियो में चल रहा है 6 से 2:25 की तरफ, इसके लिए मेरे को कॉपीराइट मिला। तो साइट का जो 3 डॉट है उसको क्लिक करने के बाद मेरे को ये सब ऑप्शन आ रहा है जो मैं कॉपीराइट हटा सकता हूँ, ये सब ऑप्शन पे क्लिक करके। तो मैं रिप्लेस करूँगा सॉन्ग को जो उसमें आ रहा है, जिसके लिए मेरे को कॉपीराइट दिया गया है, उस सॉन्ग को रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को यूट्यूब लाइब्रेरी से मुझे बहुत सारे सॉन्ग अवेलेबल है, जिससे मैं कोई भी एक सॉन्ग सिलेक्ट करके उस जगह पे रिप्लेस कर दूंगा, जिसकी वजह से मेरे को कोई कॉपीराइट जो है वो हट जाएंगे। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी में YouTube गैलरी से कुछ एक ऑडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला ऑडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद इसको प्ले करके देख लेता हूँ। प्ले करने के बाद जब ये वीडियो हो जाएगा तो वीडियो प्ले में आ जाएगा, तो मैं इसको सेव कर ले लूँगा। तो ऊपर सेव बटन आ रहा है, डिस्कार्ड चार्जेस चेंजेस और सेव। तो मैं पहले इसको सेव करके कर लेता हूँ, रेडी टू रिप्लेस, यस सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं स्टेटस में देख रहा हूँ ओवरव्यू, तो मैं अब यहाँ पे चेक। सेव होने के बाद मैं देख रहा हूँ अपना वीडियो को, जो रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है चेकिंग फाउंड 1, तो मेरा अभी काम चल रहा है। तो कुछ देर बाद मैं इसको फिर रीओपन करूँगा तो मेरे को शो करेगा कि ये कॉपीराइट क्लेम हटा है कि नहीं। यहाँ से कॉपीराइट क्लेम हट चुका है, चेकिंग 1 फाउंड कर रहा है अभी। तो मैं बैक चला जा रहा हूँ, बैक जाने के बाद मैं इनसे ओपन करके चेक कर रहा हूँ कि मेरे कॉपीराइट अभी है कि नहीं है। तो मैं YT स्टूडियो ऐप में जाऊँगा बैक करके, तो ये देखिए मेरा YT स्टूडियो ऐप ओपन करने, अभी भी मेरे को कॉपीराइट क्लेम शो कर रहा है YT स्टूडियो में, लेकिन ये कुछ देर बाद हट जाएगी। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको बैक कर ले रहा हूँ, अब मैं फिर से ओपन करूँगा कुछ देर बाद। ये मैं फिर से कुछ देर बाद ओपन कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया मैंने अपने मोबाइल का। तो अब मैं YT स्टूडियो ऐप में ढूँका, ढूँकने के बाद मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए RTO फाइनल ड्राइविंग टेस्ट का जो वीडियो है उसमें से कॉपीराइट क्लेम हट गया है। आप भी अगर मेरे तरह नया यूट्यूब अकाउंट ओपन किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और प्लस सिखा भी रहा हूँ।
जाके कैसे यूट्यूब अकाउंट को अपना ग्रो कर सकते हैं आप। तो चैनल पे बने रहें मेरे साथ 97% जिस सिंह के साथ। तो मैं टेक्निकल वीडियो लाते रहूँगा नया नया, जिस जिस चीज़ में आप लोग को प्रॉब्लम होगा यूट्यूब न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड अपने लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर करिए जो न्यू क्रिएटर्स हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपको 100% रिप्लाई एंड उस रिलेटेड वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो धन्यवाद चैनल पे आने के लिए, आप ही का चैनल समझ के इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़।